वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉयलर वैलेंस ड्राफ्ट के बारे में। सो वैसे तो आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। सो आइए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो बैलेंस ड्राफ्ट जाने से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ड्राफ्ट क्या होता है। सो ड्राफ्ट इज ए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस कॉजिंग फ्लो ऑफ एयर एंड गैस थ्रू द बॉयलर। मतलब इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट एक स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है जो कि बॉयलर के अंदर एयर और गैस को फ्लो करवाता है। सो वैसे तो बॉयलर में तीन ड्राफ्ट यूज होते हैं। एक हो गया आपका फोर्स ड्राफ्ट, सेकेंड वन आपका हो गया इंड्यूस ड्राफ्ट, थर्ड वन आपका हो गया वैलेंस ड्राफ्ट। बट जहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट दोनों इक्वली यूज होते हैं उसको हम लोग बैलेंस ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। सो आजकल के जितने भी पावर बॉयलर है सभी में हर कोई प्रीफर कर रहा है कि बैलेंस ड्राफ्ट यूज करने, क्योंकि बैलेंस ड्राफ्ट बहुत एफिशिएंट रहता है, आपका अच्छे से कंबसन हो पाता है, इसका बहुत सारे एडवांटेज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बैलेंस ड्राफ्ट यूज करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है। अगर हम लोग ओनली एफडी फोर्स ड्राफ्ट यूज करते हैं सिस्टम पे तो क्या होता है, अगर हम लोग आपका बॉयलर में फोर्स ड्राफ्ट यूज हो रहा है और आपको इंस्पेक्शन करना है बॉयलर का या फिर कुछ फायरिंग के लिए कुछ चेक करना है आपको बॉयलर फर्नेस के अंदर, सो अगर आप इंस्पेक्शन डोर ओपन करेंगे तो जैसे कि फर्नेस के अंदर फोर्स ड्राफ्ट है, पॉजिटिव प्रेशर है, तो अगर इंस्पेक्शन डोर खोलते ही आपका क्या है जो फ्लेम है वो बाहर आ जाएगा और मैन पावर को ऑपरेटर को हैम्पर भी कर सकता है और आपका फ्लेम बुझने के भी चांसेस है। तो इसके लिए एफडी एयर को हमेशा अवॉइड किया जाता है। अगर हम लोग ओनली इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम फैन यूज करते हैं बॉयलर में तो क्या होगा, बॉयलर के अंदर पूरा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा क्योंकि इंड्यूस ड्राफ्ट जो है वो बॉयलर चिमनी के बीच लगा रहता है और इंड्यूस ड्राफ्ट क्या करता है कि बॉयलर के अंदर जितने भी आपका हॉट गैसेस है उसको रिलीज कर लेता है नेगेटिव साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और आपका फायरिंग के टाइम कुछ आपको चेक करना है। अगर आप डोर वगैरह खोलेंगे तो आपको क्या होगा, ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल्ड एयर बॉयलर के अंदर एंटर करेगा जिससे कि आपका कंबसन प्रोसेस भी हैम्पर होगा, अच्छे से कंबसन नहीं हो पाएगा, आपका हीट ट्रांसफ़र का भी इशू रहेगा बहुत सारा। और मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंड्यूस ड्राफ्ट फैन यूज करने से। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या कि अभी बॉयलर के अंदर बैलेंस ड्राफ्ट यूज होता है और बैलेंस ड्राफ्ट यूज करने से क्या है कि आपका जो आपका फ्यूल है वो अच्छे से कंबसन हो पाता है, आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड कर पाते हो बॉयलर के अंदर कंबसन के लिए, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट आप मेंटेन कर पाते हो बॉयलर में जो कि आइडियल है आपका -4-5 mmWC वो भी आप मेंटेन कर पाते हो। बेसिकली इसीलिए बॉयलर के अंदर बैलेंस ड्राफ्ट यूज होता है। ठीक है, तो आइए बैलेंस ड्राफ्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ, तो ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मैं एक डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है ये रेड वाला एंड दिस वन जो आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला जो भी जोन है ये आपका हो गया नेगेटिव साइड हो गया और एक्स एक्सिस से ऊपर जो है आपका ये देखिए पॉजिटिव साइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम बॉयलर के अंदर बोथ नेगेटिव साइड भी यूज हो रहा है और पॉजिटिव साइड भी, कैसे यूज हो रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पॉइंट वन जो है ये आपका हो गया, पॉइंट वन जो है आपका ये एफडी फैन का सक्शन साइड। तो एफडी फैन क्या है, एटमोसफेयर से एयर सक करता है और फर्नेस में फोर्सली एयर डिलीवर करता है, तो एफडी फैन का सक्शन साइड में आपका रहता है और -10 to 14 mmWC रहता है और एफडी फैन के डिस्चार्ज साइड में जैसे कि वो फोर्सली एयर प्रोवाइड कर रहा है फर्नेस के अंदर, तो यहाँ पे आपका 240 mmWC अप्रॉक्स रहता है जो कि हायर साइड है पॉजिटिव में। नेक्स्ट वन आपका क्या है कि फर्नेस एग्जिट प्रेशर, तो अभी हम लोग क्या है फर्नेस के अंदर फोर्सली एयर प्रोवाइड कर दिया, अभी कंबसन हो गया, तो कंबसन जोन में हम लोग स्लाइटली नेगेटिव रहते हैं जो कि -5 है, तो दिस वन जो आपका फर्नेस एग्जिट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो फर्नेस में ऑक्सीडेशन जोन में आपका स्लाइटली नेगेटिव जो कि -5 रहता है। नेक्स्ट वन जो आपका इंड्यूस ड्राफ्ट है, क्योंकि हम लोग जितना भी एयर फर्नेस में सप्लाइड किए हैं उसको ड्रॉ करने के लिए सक करने के लिए एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन भी यूज किया जाता है बॉयलर और चिमनी के बीच, सो इंड्यूस ड्राफ्ट का फैन का जो सक्शन है वो -142 mmWC अप्रॉक्स ये मेरे बॉयलर का है। सो
देखिए अभी फर्नेस ऑक्सीडेशन जो है -5 स्लाइडली नेगेटिव है बस, आईडी फैन सक्शन में ये आपका हो गया -142, तो हायर साइड है नेगेटिव साइड पे यहाँ पे इतना ड्रॉप आपका वैक्यूम हो रहा है। देन आईडी फैन जिससे सक कर रहा है और डिलीवर कर रहा है ये पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि चिमनी में डिलीवर कर रहा है पॉजिटिव प्रेशर में, सो आईडी फैन डिस्चार्ज आपका हो गया +70 MWC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे आपका नेगेटिव है कहीं पे आपका पॉजिटिव है, तो देखिए आपको इसे हम लोग इसको समझते हैं ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है जो कि आपका एक्स एक्सिस है एंड अनदर वन आपका वाई, जैसे मैं बताया था अभी वाई एक्सिस है। तो अभी जैसे हम लोग मैं 5 पॉइंट वहाँ पे बनाया था, ये हो गया आपका एफडी फैन का सक्शन हो गया नेगेटिव साइड में बनना है उसके, क्योंकि -14 है। फिर फैन क्या डिलीवर कर रहा है आपका हायर साइड पे, तो पॉजिटिव साइड है ये, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 240 MWC हायर साइड पे। ठीक है, पॉजिटिव में। उसके बाद फैन डिलीवर करने के बाद आपका ऑक्सीडेशन जोन में क्या होता है स्लाइडली नेगेटिव रहता है जो कि -5 MWC है, ये हो गया आपका फर्नेस एग्जिट प्रेशर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जोन में तो आपका स्लाइडली नेगेटिव रहता है, बट ये आईडी फैन तक आते आते हायर साइड चला जाता है नेगेटिव में, तो ये यहाँ पे हो गया आपका आईडी सेक्शन में -142 MWC अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, जो कि मेरे बॉयलर पे भी चल रहा है। तो आई डी फैन सक्शन में आपका ज़्यादा नेगेटिव है -142 एंड आई डी फैन डिलीवर कर रहा है चिमनी में, तो यहाँ पे आपका हो गया पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है आई डी फैन का आउटलेट है +70 MWC। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट नेगेटिव साइड में भी है और कुछ पॉइंट पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड आप कैसे बन रहा है देखते हैं। अभी देखिए अभी जो आई डी फैन एफ डी फैन से सब करके आपका एफ डी फैन में जा रहा है, एफ डी फैन डिस्चार्ज कर रहा है 240, फिर एफ डी फैन से अभी आपका ये पॉइंट आया यहाँ पे आपका फर्नेस एग्जिट प्रेशर, उसके बाद आई डी सेक्शन में आ रहा है, आई डी सेक्शन से फिर आ जा रहा है आई डी डिस्चार्ज में। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड में भी कुछ पॉइंट बने हैं और अपवर्ड में कुछ पॉइंट बने हैं, तो इसी तरह से क्या है कि आपका प्रेशर बैलेंस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस जो है ये अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए इसको, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर साइड में भी कुछ पॉइंट बने हैं और लोअर साइड में भी कुछ पॉइंट बने हैं, तो इसी तरह से बॉयलर के अंदर जो है आपका ड्राफ्ट बैलेंस है, सो इसी को ही आपका बैलेंस ड्राफ्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।